नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ न्यूज़ है नीट 2019 के रिगार्डिंग और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फीस के रिगार्डिंग, जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो इस साल मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही होगा कि 2018 के कंपैरिजन में 2019 में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी फीस 10 से 15% इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज की फीस ध्यान में रखी है जिनकी पिछले साल फीस 7 से 8 लाख थी? तो हो सकता है कि इस साल यानी 2019 में उनकी फीस +1 लाख हो जाए। यहाँ पर कुछ ऐसे ही न्यूज़ है मेरे पास महाराष्ट्र के स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की डिटेल दी गई है, इसमें फीस जो है 25% जितनी इंक्रीज कर दी गई है पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी 2018 के कंपैरिजन में। हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन से डिटेल अवेलेबल हैं। केजी सोमाया मेडिकल कॉलेज और तन्ना मेडिकल कॉलेज इन नवी मुंबई, इन दोनों मेडिकल कॉलेज में 23% और 24% की फीस हाइक हुई है। यानी केजी सोमाया में 23% फीस हाइक हो गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। तन्ना मेडिकल कॉलेज जो नवी मुंबई में है, उनमें 24% फीस इंक्रीज कर दी गई है। यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस जो है कोई कोई में 9 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है महाराष्ट्र के स्टेट में। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा फीस हाइक मीमर जो पुणे में है वहाँ पर हुई है, 26.7% का फीस हाइक इस कॉलेज में हुआ है। श्रीमती काशीबाई नवाले मेडिकल कॉलेज जो पुणे में है, उनमें भी पिछले साल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, यहाँ पर फीस सबसे ज़्यादा रहेगी 12.6 लाख रुपीज़ पर एनम। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में यह मेडिकल कॉलेज में फीस हाइक जो हुई है सिर्फ 5% है। तो यह इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था ताकि आप अपडेट रहे मेडिकल कॉलेज की फ़ीस के बारे में। ऐसी और भी न्यूज़ मुझे मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।